अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है ए प्लस बी इज इक्वल टू 600 एंड दूसरा है ए बी इज इक्वल टू 600, यानी ऊपर जो है डिवीजन है और नीचे प्रोडक्ट में है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं ए एंड बी कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको नाम देता हूँ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो स्टार्ट लेते हैं इक्वेशन वन से। ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। तो बी को यहाँ रहने देते हैं और ये पॉजिटिव है, उस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव ए हो जाएगा। तो इनको 3 का नाम देता हूँ, ठीक है। अब ये बी जो है इसी को इक्वेशन टू में पुट कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन टू है ए बी इज इक्वल टू 6, तो ए लिख लेते हैं और बी की जगह ए लगाते हैं, 6 माइनस ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो है ये 6 ए हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो देखो 6a माइनस ए स्क्वायर इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनको मैं तरतीब देता हूँ और एक एक टर्म को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये पहले जो है ए स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ए स्क्वायर हो जाएगा, ये नेगेटिव 6a और ये पॉजिटिव 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैपिटल के साथ इसलिए कंपेयर कर लिया क्योंकि यहाँ पर भी वो स्मॉलर ए हैं, तो यहाँ पर कैपिटल अच्छा रहेगा। तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला यह है कि माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई 2 ए, ठीक है। अब देखो इनको अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है। तो ये कैपिटल ए जो है वो ए स्क्वायर का कोफिशियंट जो भी हो तो वो हमारे पास कैपिटल ए होगा। तो कैपिटल ए जो है वो है 1। अब यहाँ पर बी, तो बी के साथ एक्स है, इन एक्स का पावर 1 है, यहाँ पर ए का पावर 1 है, तो बी जो है वो माइनस 6 है, ठीक है। और सी कांस्टेंट है जो कि 6 है। अब मैं पुट कर लेता हूँ इस फार्मूले में। सो अब जो हमारा क्वेश्चन जो है वो ए में है, स्मॉलर ए में, तो यहाँ पर भी मैं स्मॉलर ए लिख लेता हूँ, ठीक है। अब पुट कर लेते हैं, सो ए इज इक्वल टू माइनस, बी की कीमत क्या है, माइनस 6 है, पॉजिटिव नेगेटिव, बी का स्क्वायर, ठीक है, यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत क्या है 1 एंड सी की कीमत जो है वो है 6 डिवाइड बाई 2 ए, तो ए की जगह 1, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी 36 माइनस ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वेयर रूट 36 माइनस 24, तो यह हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ए इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव नेगेटिव, 12 को हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो देखो ए इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव नेगेटिव, ये 4 अंडर रूट 2 की इक्वल हो जाएगा और साथ में 3 अंडर रूट,
डिवाइड बाय 2। तो न्यूमिनेटर से कॉमन लेता हूँ 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 3 पॉजिटिव नेगेटिव 3 अंडर रूट डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव 3 अंडर रूट। अब देखो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के साथ यानी दो रिजल्ट हमारे पास आ गए, तो इनको मैं अलहदा रहता लिख लेता हूँ। अब देखो इन दोनों को मैंने अलहदा अलहदा लिख लिया, पॉजिटिव वाले को A1 का नाम दिया है और नेगेटिव वाले को A2 का नाम दिया है। अब हमने फाइंड आउट करना होगा B, तो यही A पुट कर लेते हैं इक्वेशन 3 में और A2 को भी, तो हमारे पास B1 एंड B2 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इक्वेशन 3 है B इज इक्वल टू 6 माइनस A, तो पहले मैं A1 पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी B1 A1 हो जाएंगे। अब पुट कर लेते हैं, सो B1 इज इक्वल टू 6 माइनस A1 की कीमत क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट, ठीक है। सो B1 इज इक्वल टू 6, ये माइनस 3 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस 3 अंडर रूट हो जाएगा। सो इनको माइनस करके 3 माइनस 3 अंडर रूट हो जाएगा। A1 के साथ जो है पॉजिटिव में है और B1 के साथ नेगेटिव में है, तो इनका मैं ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ यानी A1 B1। ये रिजल्ट हमारे पास आ गए, A1 की है 3 प्लस के साथ 3 अंडर रूट कामा, B1 की कीमत है 3 नेगेटिव के साथ, ठीक है। सो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ। अब हमारे पास A2 है, तो यहाँ पर भी B2 की कीमत आ जाएगी, तो इक्वेशन 3 है B इज इक्वल टू 6 माइनस A, तो यहाँ पर A2 है तो B2 A2 हो जाएगा, ठीक है। B2 इज इक्वल टू 6 माइनस A2, तो A2 की कीमत यह है 3 माइनस 3 अंडर रूट, ठीक है। सो B इज इक्वल टू B2 6, ये माइनस 3 और ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 3 अंडर रूट हो जाएगा। सो B2 इज इक्वल टू 3, अब यहाँ पर प्लस के साथ आ गया। अब देखो जब A2 नेगेटिव के साथ हो तो B2 हमारे पास पॉजिटिव के साथ आ गया। अब इनका भी ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ यानी A2 कामा B2, ठीक है। तो A2 की कीमत है 3 माइनस 3 अंडर रूट एंड B2 की कीमत क्या है प्लस के साथ 3 प्लस 3 अंडर रूट, ठीक है। अब ये दोनों हमारे रिजल्ट्स हो गए A1 B1 एंड A2 B2, ठीक है। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत, तो मैं A1 B1 वाला यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, अगर इनसे ये 6 आता है तो हमारे रिजल्ट्स ठीक होंगे, तो ये वाला मैं चेक कर लेता हूँ और इनको आप चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब देखो ये वाला मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन 1 में, तो देखो a प्लस b यानी दोनों का एडिशन, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट प्लस b की कीमत क्या है 3 माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, सो 6 इज इक्वल टू 6। ये कीमत जो है इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% टेक है। अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर इस तरह A1 B1 होगा, तो ए की कीमत क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट एंड B1 की कीमत क्या है 3 माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 6। अब ये डायरेक्ट जो है हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसी सूरत में हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी जो है वो 3 अंडर रूट है,
इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट होके यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 6 है, सो 6 इज इक्वल टू 6 है। अब देखो ये कीमत जो है इक्वेशन 2 के मुताबिक भी 100% एक है। ये सेकेंड रिजल्ट जो है ये आप जरूर चेक करके कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।